सर्फेक्सल के ऐड को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है वो वाकई में काफ़ी दुखदाई है। अगर आपको भी सर्फेक्सल के ऐड में कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो मुबारक हो, आप भी वक्त से काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए हैं और आप भी बच्चों के प्रति नफरत करने वाले इंसान बन गए हैं। आखिर उस ऐड में क्या गलत है लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अगर एक एक लड़की अपने दोस्त के नमाज पढ़ने जाने वाले कपड़े गंदे होने देने से बचाती है तो इसमें गलती क्या है? यही तो पहचान है भारत की, सांप्रदायिक सौहार्द इसे ही तो कहते हैं। हाँ, आप लोगों को ये कहना है कि भैया कि लड़की भी तो मुसलमान हो सकती थी, लेकिन चलिए ऐड बनाने वालों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई तो नहीं आई, लड़की भी मुसलमान होती तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? ऐड का ने मैसेज किया दिया ये इम्पोर्टेंट है, लड़की मुसलमान है या लड़का मुसलमान है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जब चुनाव पास है तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उड़ाई जा रही हैं ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो। जाहिर सी बात है, राजनीतिक षड्यंत्र इस तरह के हर कैंपेनिंग के पीछे होता है। जिनको 10-11 साल के दो बच्चों के बीच में भी लव जिहाद दिख गया, भला उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? इसमें कोई शक की बात नहीं, लव जिहाद जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए शादी करते हैं लड़की से कि उसका धर्म परिवर्तन करवा सके, लेकिन क्या सच में 11-12 साल के लड़कों के ऊपर इस तरह की छींटाकशी करनी सही है? और अगर आपने भी ऐसा किया है तो आप इस सोसाइटी में गंद फैलाने वाले एकमात्र इंसान हैं। सोसाइटी में इतनी गंद फैल चुकी है कि हम 11-12 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? हम लोगों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि जो मैसेज दिया गया है इस ऐड में कि भाईचारा इस देश में बना रहे, आपस में हर समुदाय एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें, उस मैसेज को कुछ लोग ले नहीं पाए और उनको सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए प्रोपोगेंडा मिल गया, उनको लव जिहाद का नाम दोबारा से उछालने को मिल गया। और कह रही हैं कि हम सर्फेक्सल को बायकॉट करेंगे, कर लीजिए सर्फेक्सल को बायकॉट। सर्फेक्सल आपके बायकॉट करने से होता क्या है? सर्फेक्सल एक पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम है और 2-4 लाख लोगों के बायकॉट करने से सर्फेक्सल को कुछ नहीं होता। सर्फेक्सल जैसे पहले बिकता था अब शायद उससे भी ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि अगर कुछ लोग बायकॉट करने वाले हैं तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे वो अब सर्फेक्सल ही खरीदेंगे। तो ये चीज़ें तो होती चलती बात है, लेकिन आप लोग इस तरह की नफरत ना फैलाएं 11-12 साल के बच्चों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।